नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुध देवता, बुध ग्रह अब चले जाएंगे सिंह राशि में। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है सिंह राशि में और ये 19 जुलाई को हो रहा है, जो कि 5 अगस्त तक सिंह राशि में बुध देवता रहने वाले, बुध ग्रह रहने वाले हैं। यहाँ पर बुध ग्रह रहेंगे और शुक्र देवता यहाँ पर, पहले से ही शुक्र देवता यहाँ पर हैं। और 19 जुलाई से पहले देखा जाए तो बुध यहाँ पर कर्क लग्न में थे, कर्क राशि में थे और कर्क राशि पर शुक्र भी थे। तो ये बुध का अपडेट रहा। तो अब बुध जो सिंह राशि में जा रहे हैं, उसका प्रभाव 19 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक पर कैसा रहने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो है एकदम स्पष्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। और बता दो, जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितने कर्क राशि वाले हैं सबके साथ वही होगा जो मैं बताऊंगा, संभव नहीं। वो निर्भर करता कि आपके खुद के कुंडली में शुक्र और बुध कैसे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 19 जुलाई से अगर पहले का देखा जाए, 19 जुलाई से पहले का देखा जाए तो शुक्र यहां पर थे, बुध यहां पर थे। बुध मतलब कि 11 मिथुन राशि के स्वामी बुध बने, मतलब कि 11वां घर। कन्या राशि के स्वामी बने, मतलब कि 3रा घर। अब देखिए 19 जुलाई से पहले जो बुध का जो स्थिति था वो 11वें घर का था और शुक्र के साथ बैठे, मतलब कि आए घर को लेकर और चतुर्थ को लेकर, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब अच्छा था, लग्न का बल मिला तो ठीक था। तो आपने 19 जुलाई से पहले आपने देखा होगा जो लोग नौकरी में परेशान थे, मतलब कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको सीनियर से दिक्कत आ रहा था वर्क में, मतलब कि सीनियर काफी डिस्टर्ब कर रहे थे। जो लोग जॉब में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या काम बिजनेस में भी सीनियर से उनको दिक्कत हो रहा था, मतलब किसी ना किसी के कारण से, इंटरफेयर की वजह से आपको दिक्कत हो रहा था, वो अब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आय का संबंध बना 11वें घर से, मतलब पैसा आने में 11वें घर का रोल, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा था आपके जॉब में, इनकम में, वो अब दूर हो जाएंगे, साफ शब्द स्पष्ट। और जिस वजह से आप काफी ज्यादा मानसिक तनाव में भी थे, हो सकता है कोई आपको बहुत लोड दे रहा है, कोई बहुत प्रेशर दे रहा है, तो ये चीजें आपकी दूर हो गई थी, ऐसा देखने को आपको मिला होगा। ठीक, तो ये रहा पहले का अपडेट। अब 19 जुलाई के बाद से सेम कंडीशन है, बस बुध यहाँ पे आ गए हैं सिंह राशि में और शुक्र, लेकिन पावर वही है, एनर्जी वही है, चीजें वही है, बस अंतर क्या हुआ, बुध यहाँ लगन में थे, बुध यहाँ पे चले गया। तो अब जो लोग, कंडीशन वही है, तो मुझे लगता है कि जो लोग जॉब में थे या बिजनेस में थे या किसी जगह थे जिनसे उनके पैसा आ रही थी, अगर वो जॉब, शायद वो जॉब छोड़ के जाए, जगह परिवर्तन के योग अच्छे बन रहे हैं और जगह परिवर्तन करने के कारण से वो आपके पैसा में वृद्धि देगा। तो अगर आप 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त अगर आप जगह चेंज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा लग रहा है कि आप जगह परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो घर का परिवर्तन हो, किसी चीज का परिवर्तन हो, जगह परिवर्तन के योग बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि कर्क राशि वाले आप ये चीजें करेंगे। तो सारा अपडेट हो गया, क्या था, क्या चीजें नहीं था, क्या होगा, क्या, सारा कुछ मैंने आपको अपडेट दे दिया। बाकी आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, बुध कैसे हैं, वो कुंडली दिखने के बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है कुछ चाहते हैं कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।